बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी बसंत पुस्तक से, और बसंत पुस्तक से अब तक हमने पढ़ लिए हैं 6 अध्याय, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना बच्चों एक गीत है, इसको लिखा है गीतकार साहिब लुधियानवी ने। बच्चों ये गीत है साथी हाथ बढ़ाना, ये एक फिल्म आई थी नया दौर, ठीक है, उस फिल्म में ये गीत फिल्माया गया था और ये गीत वहीं से लिया गया है, ठीक है। साहिब लुधियानवी बहुत बड़े गीतकार हैं और उन्होंने ये गीत लिखा था। कौन से फिल्म बताई? नया दौर, ठीक है। अगर किसी ने भी देखा होगा नया दौर फिल्म, बहुत पुरानी फिल्म है, तो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन उस फिल्म का ही गाना है। चलिए हम पढ़ते हैं साथी हाथ बढ़ाना, ओके। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों ये जो हमारी कविता है लिखी किसने है? साहिब लुधियानवी जी ने लिखी है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, मेन चीज क्या है इसमें, इस गीत का मुख्य जो शिक्षा हम कह सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि कवि गीतकार कहना चाहते हैं कि ये जो एकता है, मिलकर कार्य करने की जो एकजुटता है, हम किसी भी कार्य को अगर अकेले किसी को करने देंगे तो वो कार्य नहीं होगा, वो थक जाएगा। लेकिन अगर वही कार्य हम सब मिलकर एकजुट होकर करेंगे तो क्या होगा, वो कार्य जल्दी होगा और आसानी से हो जाएगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ उठाना अर्थात साथी मतलब मित्र या दोस्त, ठीक है, मित्र या दोस्त। हाथ बढ़ाना मतलब एक दूसरे के साथ मेहनत करो, एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि अगर अकेला कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो क्या होगा, वो जल्दी थक जाएगा। इसलिए मिलकर उसके साथ मेहनत करो, बोझ उठाना मतलब उसके साथ मिलकर कार्य करो तो कार्य आसानी से हो जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, आगे लिखकर कहते हैं कि हम जो परिश्रमी लोग हैं, मनुष्य कैसा है, परिश्रमी है, हम परिश्रमी लोगों ने जब भी एक साथ कार्य किया है, किसी भी कार्य को अगर एक साथ किया है तो क्या हुआ है, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ते छोड़ दिए। हमने क्या किया, हमने सागर में नावें चलाई हैं, जहाज चलाए हैं, और हम एक देश से दूसरे देश में पहुँच सकते हैं किसके द्वारा, जहाजों के द्वारा पहुंच सकते हैं ना, तो रास्ता हम लोगों ने सागर में भी रास्ता बना लिया है। पर्वत ने सिर झुकाया, सिर झुकाने का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों हार मानना। पर्वत ने भी हमारे मेहनत के आगे अपनी हार मान ली। पर्वत ने क्या किया, मेहनत के आगे, हमारी मेहनत के आगे, हमारे जज्बे के आगे अपनी हार मान ली, और हमने पर्वत पर भी रास्ते बना लिए। हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हिमालय पर चढ़ गए ना, तो हमने हिमालयों पर यानी पर्वतों पर भी रास्ता बना लिया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी से मतलब मजबूत, हमारे इरादे कैसे हैं, मजबूत है, और हमारी बाहें कैसी हैं, मतलब हमारी भुजाएं हाथ हमारे वो भी मजबूत है। और अगर हम चाह लें, हम अगर चाह लें, अगर हम ठान लें कि हमें ये कार्य करना है, अगर हमने मन में चीज ठान ली, तो हमारे जो बाजू है, हमारे जो इरादे हैं, वो इतने मजबूत हैं कि वो हम किसी भी कार्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना यानी कि साथी मित्र, एक दूसरे का साथ देते रहना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, अर्थात मेहनत मतलब परिश्रम, हमारे लेख मतलब हमारे भाग्य में है, मेहनत हमारे भाग्य में है, इस मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए।
मेहनत अपने लिए किए का अर्थात मेहनत तो हमारे भाग्य में हमारी किस्मत में मेहनत करना परिश्रम करना। मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य कैसा है परिश्रम ही है तो उसको तो मेहनत करनी करनी है कि हमें मेहनत से कभी भी डरना नहीं चाहिए कि हम मेहनत करने से डरेंगे क्योंकि वो तो हमारे भाग्य में है। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल हमने दूसरों लोगों के लिए मेहनत की भी दूसरों मतलब गैर मतलब दूसरे लोग पराए लोग कौन गैर लोग यहाँ पर गीतकार है कहना चाहते हैं कि इससे पहले हम क्या थे गुलाम थे अंग्रेजों के गुलाम थे। हमने अंग्रेजों की गुलामी सहते हुए उनके लिए कार्य किया उनके लिए मेहनत की उनके लिए सारे कार्य किए मेहनत की। आज हम आज़ाद हैं आज़ादी में हम अब अपने लिए क्यों ना मेहनत करें अपने देश का विकास करें अपना समृद्धि करें अपना विकास करें क्योंकि उन्नति करें। तो उन्होंने कहा कि कल गैरों की खातिर की कल तो हमने दूसरे लोगों के लिए किया जब हम परतंत्र थे हम गुलाम थे तो हमने अंग्रेजों के लिए कार्य किया मुस्लिमों के लिए कार्य किया आज तो हम आज़ाद हैं ठीक तो आज हम अपने लिए क्यों ना मेहनत करें। अपना दुख भी एक है साथ ही अपना सुख भी एक और हमारे अंदर मनुष्यता है ठीक करुणा है दया है तो हमें क्या होना चाहिए हम एक मनुष्य हम मनुष्य हैं हमारे अंदर एकता होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए और हमारा दुख क्या है एक है मतलब अगर किसी अलग अलग दुख नहीं है तुम्हारा दुख है तो हमारा भी दुख है और तुम्हारा सुख है तो हमारे लिए भी सुख है। अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक और हमारी जो लक्ष्य है जो हमारा उद्देश्य है वो कैसा है नेक है क्योंकि अच्छा है और हमें सच के रास्ते पे चलना है। साथ ही हाथ बढ़ाना मित्र दोस्तों आइए दूसरे की मदद करें। बच्चों आगे देखिए एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब आगे वो संगठन की महत्ता को बताते हुए गीतकार कहते हैं कि संगठन मतलब एकता ही एकदम एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो क्या है संगठन कहते हैं एक से एक मिले तो कतरा यानी कि बूंद बूंद से कतरा मतलब बूंद बूंद छोटी चीज बूंद बूंद से क्या बनता है सागर बनता है ठीक तो कहते हैं बूंद बूंद से यदि सागर बन सकता है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया दरिया में सागर कतरा मतलब टुकड़ा ठीक एक कतरा मीन्स टुकड़ा यानी एक एक बूंद क्या बन जाती है सागर बन जाती है अगर एक एक बूंद को मिलाएंगे तो सागर बन जाता है। एक एक पैसा अगर जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है पैसों का भंडार बन जाता है यानी तिनका तिनका जोड़ के हम क्या बनाते हैं तिनका तिनका जोड़कर हम एक सागर बना सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा जर्रा मीन्स कण ठीक है तिनका सहरा मतलब रेगिस्तान और एक एक बालू का कण एक एक बालू का कण मिलकर क्या बन जाता है पूरा रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत एक से एक मतलब राय यानी सरसों के दाने भी अगर हम जोड़े तो एक दिन वो पर्वत का रूप धारण कर लेगी इन छोटी छोटी चीजों से हम एक बड़ा रूप दे सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत और जैसे कि उन्होंने बोला कि एक एक कतरा मिलकर क्या बन सकता है एक एक कतरा बनकर दरिया बन सकती है सागर बन सकता है एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का रूप ले सकता है एक एक सरसों का दाना एक एक सरसों कितनी छोटी होती है एक एक सरसों का दाना भी एक दिन पहाड़ का रूप ले सकती है। वैसे ही अगर हम सब मिलकर हम इंसान मतलब इंसान मनुष्य हम सब मनुष्य मिलकर अगर किसी कार्य को करने का मन में ठान ले तो हम अपनी किस्मत भी अपना भाग्य भी हम बदल सकते हैं। हाथ साथ ही हाथ बढ़ाना ठीक है यानी कि दोस्तों आओ हम मिलकर एक दूसरे का साथ दें हाथ बढ़ाएं एक दूसरे के साथ कार्य करें। एक बार फिर से हम देखते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथ ही हाथ बढ़ाना अर्थात एक मित्रों दोस्तों अकेला व्यक्ति अगर कोई है जैसे कि हम कहावत बोलते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता भाई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो हमें क्या करना है हमें उसका साथ देना है उसके साथ हमें हाथ से हाथ बढ़ाना है ठीक है तो क्या होगा काम हमारा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। आप जैसे घर में कोई कार्य होता है त्यौहार होते हैं अकेले अगर मम्मी काम कर रही है तो क्या होता है पूरा बोझ उन पर हो जाता है लेकिन जब सब मिलकर एक साथ दूसरे काम सहयोग करते हैं तो काम जल्दी और आसान हो जाता है। त्यौहारों पर अक्सर होता है काम बढ़ जाता है या हमारे विद्यालय में कोई फंक्शन होता है कोई समारोह होता है तो सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कर जल्दी भी होता है और आसानी से हो जाता है खुशी खुशी हो जाता है। लेकिन अगर कोई अकेला व्यक्ति करेगा तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होता वो अकेला थक जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया
सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर चुकाया। अर्थात हम परिश्रमी लोगों ने जब भी किसी बात को मन में करने की ठान ली तो क्या हुआ, सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ा है और पर्वत को भी अपना सिर चुकाना पड़ा था। इन दोनों को अपनी हार माननी पड़ी है। हमने सागर में भी रास्ता बनाया और पर्वत पर भी रास्ता बनाया। फौलादी ये सीने अपने फौलादी हैं बाहें। हमारे जो इरादे हैं वो कैसे हैं, मजबूत हैं। हमारे सीना यानी हमारा हृदय कैसा है, मजबूत है। हमारी बाहें कैसी हैं, मजबूत हैं, जो क्या कर सकती हैं, जो चट्टानों यानी पर्वतों को, जो कठोर पर्वतें हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको तोड़ के उसमें रास्ते निकाल सकते हैं। बाहें मतलब रास्ते निकाल सकते हैं। मेहनत अपने लिए की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत यानी कि परिश्रम हमारे भाग्य में है, लेख मतलब भाग्य में है, तो परिश्रम से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। ठीक है। कल गैरों की खातिर थी, आज अपनी खातिर करना। कल हमने गुलाम देश में रहते थे हम, तो हमने दूसरों के लिए कार्य किया, दूसरों के लिए मेहनत की, दूसरों के विकास के लिए कार्य किया। आज हम जब आज़ाद हैं तो हमें अपने विकास के लिए, अपना हमारा देश भारत, हम अपने लिए सोचेंगे ना। अभी जैसे कि कौन थे, अभी नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का नाम जानते हैं ना, कि ओलंपिक में उन्होंने भाला फेंक के पूरे देश का नाम रोशन किया ना, पूरा रोशन कर दिया उन्होंने, उनको स्वर्ण मिला, स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, तो उन्होंने अपने देश का सम्मान बढ़ाया ना। तो ये आगे विकार ही कहना चाह रहे हैं, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपनी खातिर मतलब अपने लिए, अपने खुद के लिए करो, अपने देश के लिए करो। अपना दुख भी एक है साथ ही, अपना सुख भी एक, यानी कि हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। मतलब हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता है, तो हमारा दुख भी एक होगा, हम दूसरे को देख के दुखी भी होंगे, हम दूसरे सुख के देख के सुखी भी होना चाहिए, हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अपनी मंजिल सच्ची मंजिल, अपना रास्ता नेक, नेक मीन्स अच्छा। हमारी जो मंजिल होनी चाहिए, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और हमारे इरादे कैसे होने चाहिए, नेक होने चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाओ, क्योंकि एक अकेला अगर कार्य करेगा तो क्या होगा, वो थक जाएगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आगे एकता की, एकता का महत्व बताते हुए कहते हैं गीतकार कि जैसे कि बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। ठीक, एक एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बना देते हैं, सरसों का एक एक दाना मिलकर पहाड़ बना सकते हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि अगर एक से एक मिले इंसान, यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, पूरा इंसान इकट्ठे हो जाए, एक सहयोग संगठन बन जाए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी असंभव कार्य को हम संभव बना सकते हैं, जो कार्य हमारे लिए असंभव है हम उसको संभव करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा गीत से, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास घटते देख सकते हैं, तो इस अध्याय की पहली जो तीन पंक्ति है बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये तीन पंक्तियां हम अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे कि हमने भी जैसे उदाहरण दिया था आपको, जैसे घर में कोई त्यौहार है, कोई समारोह है, तो हम क्या करते हैं, हमें अकेले उसकी मदद करनी चाहिए, उसे अकेले नहीं करते चाहिए किसी को भी, तो हम मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। विद्यालय में कोई फंक्शन होता है, समारोह होता है, तो हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये चीज़ हमारे आसपास हम देखते हैं घटित होते हुए। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साहिब ने ऐसा क्यों कहा है। साहिब मतलब जो हमारे गीतकार साहिब हरियाणवी जी, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, क्यों कहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे इरादे नेक हैं, मजबूत हैं, और हम एक एकता में, एक सहयोग में, संगठन में कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। जैसे कि सागर में हमने जहाज चला दिए, रास्ता बनाया ना, जहाज चला के हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, और पर्वत पर भी हमने रास्ते काटे हैं, हमने पर्वत की भी चढ़ाई हमने कर ली है। तो अगर हमारे जो इरादे हैं वो नेक हैं, मजबूत हैं, तो हम किसी भी कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है कि हमारे जो इरादे हैं, हमारे फौलादी का क्या होता है, मजबूत, यानी कि हमारा जो सीना है, हमारी जो बाहें हैं, भुजाएं, जिससे हम कार्य करते हैं। ठीक, किसी कोई भी मेहनत करने से हम नहीं डरते हैं, तो उस मेहनत करने से हम क्या है, फौलाद हो गए, फौलाद मतलब मजबूत हो गए, और जब हमारे इरादे मजबूत हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चट्टानों में भी रास्ते पैदा कर सकते हैं। ओके, आगे है कहावतों की दुनिया, भाषा की बात देखिए।
पहला है अकेला चना हार्ड नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होती, ये दो कहावतें दी गई है। अब इन पर आधारित है हमारा प्रश्न। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ ये कि किन पंक्तियों में हमें दिखाई देता है, दो लकीर की अंतिम पंक्तियां जो हमारी अंतिम चार पंक्तियां थी उसमें दिखाई देता है कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ क्या होता है कि अकेला व्यक्ति यानी एक व्यक्ति अपने दम पर कोई बड़े कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, मतलब अगर हम एक का साथ देते रहें तो क्या होता है कि एकता में ही शक्ति है। ठीक है, यानी एकजुट कर एकजुट होकर कार्य करना, जब हम एकता में शक्ति है यानी अर्थात हम मिलकर कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऊपर लिखी कहावतों का ये थी किन पंक्तियों में मिलता है, तो अंतिम चार पंक्तियाँ कौन सी हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और एक से एक मिले राय बन सकती है पर्वत। अर्थात जब क्या होता है बूंद बूंद से सागर बनता है, और जर्रा जर्रा कण कण से रेगिस्तान बन जाता है, और राय से यानी सरसों के दानों से पर्वत बन सकता है, तो हम इंसान मिलकर जो एक असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं, जो मन में ठान लेते हैं वो पूरा करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो। इन दोनों का अर्थ क्या है, हमने पहले ही बताया आपको, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकते, यानी कि एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं होता है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, मतलब एकता में ही शक्ति है, और एकजुट हम जब कार्य करते हैं तो कार्य पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है, इस गीत में पर्वत शीश रास्ता इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। अब इसमें क्या लिखा पर्वत, लेकिन हम बोलते क्या है पर्वत, शीश नहीं बोलते ना, हम बोलते क्या है शीश, शीश मतलब सिर, रास्ता रास्ता नहीं रास्ता, इंसान इंसान नहीं इंसान। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे यही पर हमारा अध्याय खत्म होता है। तो बच्चों ये जो गीत है उसके लिए आपको क्या करना है, जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये गीत आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, और ये गीत पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कल जब हम अपनी डाउट क्लास लेंगे तो ये जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन आंसर तो हो ही गए आपके, पार्ट 6 तक आपका पूरा वर्क कम्प्लीट हो जाना चाहिए, कभी भी हम कॉपी देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।